असलाम व्यूअर्स, 3D स्टूडियो मैक्स की क्लास शुरू कर रहे हैं। इसमें हम इंटीरियर और एक्सटीरियर में शुरू किया है, जिसमें हम आज डोर्स और विंडोज़ के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले मैं आपको डेस्कटॉप पे लेकर आ जाता हूँ और यहाँ पर 3D मैक्स में आप देख सकते हैं। लास्ट टाइम जो हमने अपार्टमेंट के कमरे सारे बनाए थे, हमने दो कमरे और प्लस ये कि डाइनिंग हॉल और वॉशरूम, ठीक है, फिर किचन और उसके साथ ये हॉल है और साथ में ड्राइंग रूम, ठीक है, ये सारा, और एंट्रेंस के गेट हमने दरवाजे तकरीबन सबके बना लिए थे। अच्छा, अब कैसे इसको F4 करता हूँ ताकि आप इसकी लाइनें देख सकें। आप जैसे मैंने F4 किया, आपको क्लियरली इनकी लाइनें दिख रही है, एजेस दिख रही है, ठीक है, ये अच्छा हो गया। अब क्या है कि इसमें जब आप डोर लगाएंगे या विंडो लगाएंगे तो एक चीज़ का ख्याल रखना, अगर डोर इसमें फिट नहीं आता तो बाहर हमें एक साइज लेकर इसमें फिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसे फिट करना है तो उसका एक तरीका है, आप यहाँ पे जो आपका स्नैपिंग का ऑप्शन है इस पर आपने राइट क्लिक करना है, इसमें से आपने लेना है वर्टेक्स स्नैपिंग, ठीक है, क्या लेना है, वर्टेक्स स्नैपिंग, और इसको बंद कर दिया। अब आप ले लेंगे डोर, क्रिएट में जाके यहाँ से जब जैसे आपका स्टैंडर्ड आ रहा होता है तो स्टैंडर्ड की जगह आप ले लोगे यहाँ से डोर। विंडो भी यहीं पर है, विंडो भी हम यहीं चलेंगे। अब डोर आपने लिया, डोर लेने के बाद आपने बाई फोल्ड को पिविट को लेना है, पिविट डोर। ऑटो ग्रिड आपने ऑन नहीं करना है, अगर इसको ऑन कर दिया ना तो सही तरीके से फिटिंग नहीं आएगी इसमें। तो अभी ऑटो ग्रिड मैंने ऑफ रखा हुआ है, पिविट मैंने ऑन किया है। यहाँ से आपने मैग्नेट जो है वो एंगल स्नैप वाला बंद कर दिया, अभी ज़रूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तब इसको ऑन कर देंगे। हमने स्नैप टॉगल वाला बटन जो है मैग्नेट बना हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 3 मैग्नेट, तो ये वाला बटन आपने ऑन करना है। अब इसके अंदर आपको याद है हमने अभी वर्टेक्स स्नैपिंग की हुई है। अब यहाँ पर आप आ जाएंगे, आप देखिए वर्टेक्स स्नैप कर रहा है। अगर मैं F3 करके दिखाऊं तो आप देखिए एक एक कोने को खुद ही पकड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, आपने पहले तो डैब उठाता है आपका जो डोर होता है, क्लिक करके आपने यहाँ जैसे ये जो चीज़ आ रही है ना, आप यहाँ देखिए राइट साइड पर इस तरफ देखना, यहाँ देखना क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ चेंज हो रही है, अरीना नॉर्थ कराची डैप, इसका मतलब ये दरवाजे की मोटाई, ठीक है, डैप का मतलब है दरवाजे की मोटाई, वेट का मतलब है दरवाजे की चौड़ाई और हाइट का मतलब है दरवाजे की लंबाई, समझ गया, कितना ऊपर लंबा होगा, ये वेट है, वेट हमने दे दिया, क्लिक कर दिया। अब आप इसको खींच लिया ऊपर की तरफ और ये आप उठा रहा है, क्या उठा रहा है, आप देखिए क्या वैल्यू बढ़ रही है, हाइट, वेरी गुड, हाइट बढ़ रही है, हाइट को यहाँ तक बिल्कुल आप ये जो ऊपर का बीम है ना, बीम का नीचे वाला वर्टेक्स तक ले जाओ, खुद ही पकड़ लेगा इसको, हो गया, क्लिक कर दे, दरवाजा बिल्कुल सही आ गया। अब सिर्फ आपको क्या करना है, पहली फुर्सत में आपने ये मैग्नेट बंद करना है, अगर इसको बंद नहीं किया और ये वैल्यू इसको छेड़ दिया, कुछ ना कुछ दरवाजा इधर को उधर चला जाएगा या दरवाजे को मूव किया तो कहीं और गायब हो जाएगा, नजर ही नहीं आएगा दरवाजा गया किधर। अब इस डोर को, इसकी जो विड्थ है, इसकी विड्थ को आप बढ़ा रहे हैं, विड्थ जैसे बढ़ाओ ये देखें चौड़ाई, जैसे मैंने आपसे कहा था चौड़ाई, ये नेगेटिव में ले रहा है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, अभी आप इसको ले रहे हैं, लेकिन ये कि बाद में आप इसको मूव करके W प्रेस करें और मूव करके इसको आपने, ये स्नैपिंग अगर बंद नहीं होता ना तो ये डोर को कहीं का कहीं ले जाता, लेकिन अभी मेरी मर्जी से जहां मैं रखूंगा वहीं जाएगा। अच्छा, अब मसला क्या है कि दरवाजे का जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ है। अब ये एक एरर है कि एरर तो नहीं कहना चाहिए, ये दरवाजा थोड़ा छोटा रह गया, इसका जो विड्थ है वो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, मॉडिफाई में है, चूंकि इस डोर का सेंटर पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, सेंटर पॉइंट ऑफ दिस डोर इज हियर, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है मॉडिफाई में, देन विड्थ को आपने इसकी मजीद बढ़ाना है, आया कुछ समझ में, तो बिल्कुल फिट हो जाएगा 100%। फिर कम ज़्यादा करना है जो भी है वो आप कर सकते हैं, दरवाजे की चौखट है या जो भी आप सुखें, ये जो क्या कहते हैं इसको, ये जो मोटाई होती है ये बढ़ाना हो तो आपको यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, विड्थ आपके पास मौजूद है। ये नॉर्मली आपके पास जो लीव के जो दरवाजे का पल्ला कह लें या लीव कह लें, ठीक है, उसका भी आप बढ़ा सकते हैं और आपके पास और भी ऑप्शन है यहाँ पे जो आज हम देखेंगे साथ में, ठीक है। अब जैसे कि मैं अगर यहाँ पे आ जाऊँ तो ये तीनों वैल्यूज जो अभी तक हम छेड़ रहे थे, इसके अलावा 3 वैल्यूज और हैं। अब ये जो वेट है ना, ये दरवाजे की चौखट कह लें या जो भी है, ये चीज़ होती है ना, अरे सुनो, लिफ्ट में इतना मोटा होता है, लिफ्ट में इतना मोटा होता है लेकिन दरवाजे में थोड़ा पतला होता है, ठीक है। अब इतना मतलब नॉर्मली रख लिया जितना आपको रखना है इसमें। अच्छा, लीव अंदर का जो पल्ला कह लें दरवाजे का, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा, इसको भी आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि अच्छा इसको सेव कर लेते हैं पहले, कंट्रोल एस, यू आर अबाउट टू ओवरराइट अ फाइल दैट मे बी रिक्रिएटेड यूजिंग अ प्रीवियस वर्जन ऑफ, ठीक है, यस कर दें इसको।
अच्छा, अब जो है आप यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पर आपके पास जो लीफ पैरामीटर है, लीफ पे थिकनेस है, लीफ का मतलब है दरवाजे का पल्ला, ये पिल क्या कहते हैं, पल्ला कहते हैं दरवाजे का, क्या कहते हैं इसको, तो ये और प्लस एस टाइल टॉप रेल, ये क्या है, लेकिन इसको जैसे आप वैल्यू बढ़ाएंगे ये लिफ्ट की तरह हो जाएगा, जैसे लाइब्रेरी का दरवाजा हो गया, लिफ्ट का दरवाजा हो गया, लिफ्ट में ऐसे दरवाजा होता है जो आप बना सकते हैं, अगर आपको लिफ्ट बनाना है तो आप दरवाजा बड़े आराम से बना लेंगे, लेकिन आपको चूंकि घर का दरवाजा बनाना है तो उसके लिए फिर आप इसको चौड़ाई थोड़ी ऐसे रखेंगे। अब बॉटम रेल आपका ये है, ये लाइब्रेरी का दरवाजा बन गया या ऑफिस का दरवाजा बन गया, है ना, अंदर ग्लास आ जाएगा, ग्लास का मटेरियल लगा देंगे हम। बहरहाल अभी हमें चूंकि डोर घर के लिए बनाना है तो घर पे ऐसे डोर तो होते नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बॉटम रेल इसका चौड़ा करके इतना ले लेंगे, ठीक है। और अब पैनल्स है, पैनल्स हॉरिजेंटल, पैनल्स वर्टिकल, हॉरिजेंटली आप पैनल्स बढ़ाए, देखें क्या हो रहा है, देखा आपने, वर्टिकली बढ़ाए, ये लकड़ी के जो बीटन कहते हैं ना, या जो भी आप उसका नाम ले रहे हैं, अंदर ग्लास लगा होता है और लकड़ी के टुकड़े लगे, आप ऐसे लगा लें, ये भी सही है, नॉट बैड, जो आपको अच्छा लगता है। मैंने इस टाइप का डोर लिया, आपको जैसा बनाना है वैसा बनाना है, ठीक है, जैसा आपको डोर लगाना है। अब ये तो लग गया, चले स्टैपिंग हमारा अभी भी ऑफ है, अब बाकी के डोर जो इस तरह इस पोजिशन में उनको पहले निपटा लेते हैं, जैसे इसको मैं शिफ्ट दबा के अगर कॉपी ले लूँ और ठीक यहाँ पे रख दूँ, ओके किया इसको और उसको मूव करके यहाँ पे रख दिया मैंने, बिल्कुल इस जेड दबा रहा जूम, ठीक है, एग्जैक्ट दूसरा डोर थोड़ा सा फर्क आ गया, ठीक डन हो गया। इसकी एक और कॉपी आएगी। अच्छा पहले मैं क्या करता हूँ, दरवाजे का जो फ्लिप दरवाजा आप देख रहे हैं इधर खुल रहा है जबकि इधर खुलना चाहिए, तो इसका फ्लिप हिंज होगा या यहाँ पे ये सर इसको उधर ले जाओ करा, हाँ बिल्कुल। अभी देखिए यहाँ ऑप्शन है, फ्लिप स्विंग है या फ्लिप हिंज है, देखिए फ्लिप हिंज क्या कर रहा है, ये आपका काम का है, ये जबरदस्त हो गया। फ्लिप स्विंग क्या करेगा, बाहर की तरफ, जो कि लगेगा किसी को, अगर कोई आएगा आप खोलेंगे दरवाजा उसको लग जाएगा, और डबल डोर आपको पता है डबल डोर कर देगा इसको, हमें डबल डोर नहीं करना, हमें सिंगल डोर रखना है, वो मर्जी, आप डबल डोर भी कर सकते हैं। और प्लस इसका स्विंग है, ओपन इतना नहीं रखते हम, इसको बंद खोल कर सकते हैं दरवाजे को, पूरा खोल के दीवार के साथ लगा दें, वो पॉलिटिशियंस आजकल क्या बोल रहे हैं, हमें दीवार के साथ लगाना तो मैं इसको दीवार के साथ लगा देता हूँ, सही है, ये भी पॉलिटिशियन है दरवाजा, इसको मैं दीवार के साथ लगा दिया। अच्छा अब दूसरा जो दरवाजा आएगा इसका मिरर होगा, यार आप मिरर भी ले सकते हो, वरना फिर आप इसी की कॉपी लेके उसका फ्लिप कर दो, स्विंग जो है हिंज जो है इसका, ओके गया। और यहाँ देखें यहाँ आ गए, इसका चेक हटा दे बस, ये वाला ये फ्लिप हिंज का चेक, चेक जैसे हटाओगे ये अपनी जगह पे चला जाएगा, दीवार के अंदर जा रहा है तो आप इसको दीवार के साथ ऐसे करके चिपका दो, मगर ये नहीं कि दीवार के अंदर जा रहा है, बुरा लगेगा, ठीक है। एक दरवाजा ये हो गया, एक ये हो गया, यहाँ तक कोई सवाल, दरवाजे का स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एक ही तरह के हो, मगर ऐसा भी नहीं कि यहाँ अलग दरवाजा यहाँ, ये भी ना हो, मतलब कमरों के अलग बना दिए, मेन गेट का अलग बना दिया, वो हो सकता है, ठीक है डन हो गया। अच्छा अब इसी तरीके से ये डोर मैं यहाँ, अब देखिए मसला पता क्या आएगा, मसला यहाँ ये आएगा, अब अगर मैं आपको बना के दिखाऊँ यहाँ डोर, देखिए क्या होगा, और फिर मैं कॉपी लेके बताऊंगा आपको, अभी कॉपी नहीं ले रहा मैं आपको, सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि पिवट डोर लिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे वापस से स्नैपिंग ऑन किया जो कि आपका वर्टेक्स स्नैपिंग ऑन है, अब मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, वर्टेक्स स्नैपिंग ऑन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ मैंने पिवट लिया हुआ है, स्नैपिंग कर रहा है ये, क्लिक किया, अब ये गड़बड़ कर रहा है, अब ये देखिए डैप कितनी ज्यादा उठा रहा है, देख रहे हैं डैप, अब ये दरवाजा गलत बन रहा है, ये दरवाजा गलत बन रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एस्केप कर रहा हूँ उसको, इसी डोर की मैं कॉपी, क्योंकि एंगल चेंज हो गया ना इसलिए ये इसको इस तरह से बनाने नहीं दे रहा, तो मैं क्या करता हूँ कि इसी डोर की कॉपी लेके कोई भी एक डोर की, आप डोर मोड को बंद कर लो पहले, राइट क्लिक करो ग्रे एरिया पे, और यहाँ पर आपने इसको क्लिक करके किसी भी एक डोर को एंगल से आप ऑफ कर दें, वरना ये डोर को कहीं का कहीं ले जाएगा, इसको ये जो आपका मैग्नेट है इसको आपने बंद करना है जो कि आपके स्नैपिंग है, ठीक है। अब मैं डोर ले रहा हूँ और ये वाला डोर ले रहा हूँ और इसकी कॉपी ले रहा हूँ, ठीक है, आपको नजदीक से जूम करके दिखा देता हूँ, शिफ्ट दबा के इसकी कॉपी, शिफ्ट दबा के पहले मूव कर लेता हूँ डोर को, ओके किया, और फिर इसको ई दबाया रोटेशन के लिए, और यहाँ से एंगल स्नैप आपने ऑन करना है जिसका शॉर्टकट है ए, ठीक है, अगर ये गिज़्मो बहुत बड़ा है तो माइनस दबा के इसको छोटा कर ले, और फिर इसको आप जेड डायरेक्शन में यहाँ से पकड़ के जेड डायरेक्शन में 90 डिग्री घुमा लें,
90 की जरूरत है, 90 में आराम से देखिए ऊपर भी येलो में 90 लिखा हुआ रहा है, शायद दिख ना रहा हो लेकिन नीचे देखिए लिखा हुआ है जेड डायरेक्शन माइनस 90 हो चुकी है। ओके अब ये मैं क्या करता हूँ, ठीक है जेड डायरेक्शन 90 डिग्री हो गई है, अब मैं डब्ल्यू प्रेस करता हूँ मूव टूल, एंगल से भले होने आपको मूव करने में मसला नहीं होगा लेकिन इसको बिल्कुल फिट कर ले पहले और फिर इसको दीवार के साथ लगा दे, जेड दबाया जूम, इसी डोर को जूम करेगा, ठीक है एग्जैक्ट हो गया। बाकी मर्जी आप इसको, अगर इसको छोटा बड़ा करना चाहे तो कर सकते हैं, दीवार के साथ ये थोड़ा जा रहा है तो इसको मैं यहाँ से मॉडिफाई में जाता हूँ और इसका ओपन क्लोज जो है उसकी मदद से इसको दीवार के साथ लगा दूंगा। ओके डन हो गया। अब आपको सिंपल इसी की कॉपी लेनी है, शिफ्ट दबा के आपको देखें डोर बनाने में गड़बड़ हो रही थी ना लेकिन कॉपी देने में गड़बड़ नहीं हुई, एग्जैक्ट आ गई। शिफ्ट दबा के एक कॉपी और ले लो और इसको उठा के आपने यहाँ लगा देना, बिल्कुल एग्जैक्ट। ओके करें, जेड दबा के जूम करें इस डोर को, चेक कर ले दरवाजा थोड़ा अंदर होगा इसलिए कि बहुत ज्यादा इसका जो ये लकड़ी का टुकड़ा बाहर आया हुआ है, थोड़ा अंदर ले लेते, सेम इसको भी यही करते हैं, ठीक है काफी हद तक। अच्छा अब ये भी हो गया, अब आपको मेन गेट भी लग चुका है, कौन से अब गेट्स का तो सारा मसला हल हो गया, डोर सारे के सारे लग चुके हैं, ठीक है। अच्छा अब आपने ये करना है कि यहाँ पर विंडोज लगाना है, विंडोज लगाने के लिए आपको यहाँ पर चाहिए होगा, अब वर्टेक्स टाइपिंग नहीं करेंगे, अब आप एक अलग चीज करने वाले हो, क्रिएट में जाओगे, एक विंडो हम यहाँ पे लगाने वाले हैं इस एरिया में, ठीक है। और बल्कि जैसे ही ड्राइंग रूम में आप एंटर हो तो सामने आपका जो है एलईडी टीवी होगा, आप चाहे तो यहाँ पर विंडो लगा सकते हैं इस एरिया में, ठीक है मर्जी, आप यहाँ भी लगा सकते हो, एलईडी टीवी यहाँ लगा सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है, सोफे यहाँ आ जाएंगे। तो अब करना क्या है, करना यह है कि यहाँ पर मैं विंडोज लगा रहा हूँ पहले कमरों के अंदर, ये जो कमरे आपको दिखा देता हूँ ये कमरे दोनों कमरे हैं और एक विंडो इधर और एक इधर, 5 फीट में रखूंगा उसकी विड्थ, हाइट 4 या 5 फीट आप रख सकते हो, बहरहाल मैं अभी जो भी विंडो बनाऊंगा वो जमीन पर बनाऊंगा, उसको कैसे एक साथ ऊपर उठाता हूँ अभी आप देखिएगा। तो पहले आपने स्ट्रैपिंग ऑन करनी है, इसको तो बंद कर दें, इसकी अभी जरूरत नहीं है, और कंट्रोल एस एक दफा सेव भी कर लेते हैं, यहां से आके मैग्नेट पे राइट क्लिक करना है, इस दफा विंडो के लिए आप वर्टेक्स नहीं लेंगे, विंडो के लिए आप लोगे एज सेगमेंट, क्या लोगे एज सेगमेंट, विंडो के लिए एज सेगमेंट ले लोगे, इसको बंद कर दें, इसको यहां से ऑन कर दें और यहां से क्रिएट में जाके इधर से डोर्स की जगह क्या लेंगे विंडोज, वेरी गुड। और अब जो विंडो हम यूज करने वाले हैं आप सबको पता है वो होगी स्लाइडिंग विंडो, ठीक है स्लाइडिंग विंडो उसको बोलते हैं जो धक्का मार के आप खोलते हो, ठीक है इस तरीके से स्लाइडिंग विंडो भी आपने मैग्नेट आपने इसको ऑन रखा। अब देखिए स्ट्रैपिंग इसकी एजेस कर रहे हैं, इसकी एजेस को लाइन को स्ट्रैपिंग कर रहा है, तो अब जब आप बनाओगे ना इसको तो पहली चीज विड्थ उठाएगा, आप देखिए यहां दिखेगा विड्थ क्या हो सॉरी डेप्थ, यानी इसकी मोटाई सबसे पहले लेगा, अगर मोटाई ले रहा है तो ठीक है, अगर वो कोई और ले रहा है तो विंडो गलत बना रहा है। जब भी आप डोर बनाओ, जब भी आप विंडो बनाओ, जब आप स्ट्रैपिंग करके बना रहे हो और वो पहले डेप्थ नहीं उठा रहा है तो समझ लो आपका डोर और विंडो गलत बनने वाला। तो अभी अगर ये डेप्थ उठा रहा है, सबसे पहले डेप्थ की वैल्यू बढ़ रही है तो बिल्कुल सही जा रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और F3 करके आपको दिखाता हूँ, देखिए अंदर उसने उठाई है डेप्थ, देख रहे हैं, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप अपने राइट साइड पर देखें क्या चीज बढ़ रही है, डेप्थ है ना 26 फीट दिखा रहा है, हालांकि बड़े स्ट्रक्चर पे आपने यहाँ लिया क्लिक किया, अब आप उसकी हाइट उठा रहे हो, ठीक है हाइट आप अभी तो आप ऐसी दे दो वैल्यू, और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको मैन्युअली आपने बिल्कुल सही वैल्यू दे देनी, यानी कि आपको पता है कि जो हमें 5 फीट के हिसाब से, अगर मैं विड्थ को देखूं यहाँ पे विड्थ जो है ना उसकी चौड़ाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ठीक है तकरीबन 5 फीट से मैंने इतना कुछ होगा, अब आप इसको अगर 5 फीट बाय 5 फीट करें तो स्क्वायर शेप होगा, मैंने इसको 5 फीट बाय 4.5 के समझ लें कि 4.5 या 5 फीट तकरीबन रखा हुआ है। एक विंडो आगे नीचे आप जाके यहाँ से देखें इसके जो ये हैंग का जो ऑप्शन है वो आपने हटा देना, ये देखें हैंग का जो ऑप्शन ये आ रहा है ना ओपन विंडो, इसका चेक आप हटा दें। ओके डन हो गया, ये बन गई आपकी विंडो, आपको मैं इसको ओपन क्लोज करके दिखा देता हूँ, आ रहे थे सुन अंदर होल भी हुआ हुआ है, और इसको आपने विंडो को जो है आपने थोड़ा सा मूव करना, अब आप इसको बंद कर दें, अगर ये ऑन रहा तो ये विंडो इधर उधर चली जाएगी मसला होगा, डब्ल्यू प्रेस करके अब ये जमीन पे है कैसे ऊपर आएगा सब मैं बताता हूँ, उसको थोड़ा सा इधर ले लिया मैंने साइड में इस साइड में, ठीक है जहाँ पे बेड वगैरह आ सकता है,
अच्छा अब क्या मसला है? मसला ये है कि इसको मूव करते इसका जो होल है वो चला गया। क्या वाकई में हो गया ऐसा कि ओपन क्लोज करके आप जरूर चेक कर लें, ओपन करके देखें इसको, वाकई में दीवार अब सही हो गया, ठीक है? वो थोड़ा थोड़ी देर के लिए गड़बड़ होती है, खुद सही हो जाता है। विंडो की हाइट बहुत ज़्यादा है, हाइट थोड़ी कम कर देता हूँ। विंडोज़ की हाइट जो है, यहाँ से मैं ये जो हाइट आ रही है इसको मैं मज़ीद कम कर रहा हूँ। ठीक, अच्छा सेम ऐसा ही विंडो आपको ऑपोजिट साइड में मिलेगा, इस तरफ, इस कमरे के लिए। शिफ्ट दबा के एक कॉपी आपने इस वाली जगह पे ले ली। इस पर मटेरियल अभी आएगा, मटेरियल अभी हमने लगाया नहीं है, ठीक है? ओके कर दे, या भी विंडो आ गई। इसको भी ओपन क्लोज कर दे, लाइनें चली जाए तो आप इसको जैसे ही ओपन क्लोज करेंगे इस विंडो को, सब हम यहाँ पे लाइनें नहीं गई कोई बात नहीं, लेकिन इस वाली विंडो की लाइन चली गई है। इस वाली विंडो को सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले, ये लाइनें अभी आ रही है ना, थोड़ी देर में क्या होगा देखें। चलो इन दो विंडो को मैं ऊपर लेके आपको दिखा देता हूँ, बाद में उसको बाकियों को भी लेंगे, लेकिन मैं चाह रहा था कि सब एक साथ जाए। विंडो अगर आप ले रहे तो सब एक साथ ही क्यों ना जाए। तो मैं काम करता हूँ, एक विंडो इसकी कॉपी ले लेता हूँ, शिफ्ट दबा के ओके किया, और ये लगेगी आपकी वॉशरूम में बहुत छोटी सी विंडो होगी, एग्जॉस्ट समझने एक टाइप की विंडो होती है, बहुत छोटी सी, और किचन में और छोटी हो जाती है। तो किचन में जाके आप जो विंडो लगाओगे, यहाँ से आप इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी छोटी कर दोगे, किचन में जो लगने वाला है, और इसको आप यहां से किचन की तरफ लेके आ जाओगे। ठीक है, ये आपका वॉशरूम है, ये आपका किचन है, किचन में इस तरफ मैं विंडो लगा रहा हूं। इसको 90 डिग्री घुमाना है तो मैं इसको यहां से रोटेशन ले रहा हूं, एंगल से ऑन किया पहले, ई दबाया रोटेशन के लिए, और जेड एक्सिस में इसको घुमा दिया 90 डिग्री। अब नीचे देखिए 90 हुआ, यस, नीचे 90 हो गया। ऊपर भी आपको येलो में अगर दिख रहा है तो 90 हो चुका है, -90 दिखा रहा है लेकिन 90 हो चुका है। ये विंडो इसके अंदर चली गई है, लेकिन ये इसको अंदर से हम थोड़ा पीछे की तरफ कर देंगे, बैक की तरफ, और उसको बिल्कुल दीवार के अंदर कर दें, ठीक है? ओके, अच्छा अभी ये इस तरह दिखा रहा है, जब ये सारे ऊपर होंगे ना फिर उसको हम देखेंगे कि किस तरह का। और शिफ्ट दबा के इसकी एक और कॉपी आ जाएगी जो कि आपकी जा रही है यहाँ पे वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम सिर्फ वॉशरूम नहीं है, वॉशरूम में अटैच बाथ, वॉशरूम बड़ा है। वॉशरूम बड़ा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बड़ा सा बाथ टब भी आना है, इस वजह से बड़ा। इसके अंदर कमोड भी आना है, ये देसी भी है, इसके अंदर देसी कमोड भी लगेगा, और इसलिए थोड़ा बड़ा है, ठीक है, साइज बड़ा है। पर्दे वर्दे इसके जैसे होता है, एक मॉडर्न किस्म का वॉशरूम, इससे थोड़ा स्टाइलिश वॉशरूम है ये। अच्छा विंडो तो हमने यहाँ दो लगा दिए, एक विंडो हमारी रहती है आपको याद होगा ड्राइंग रूम के लिए। एक विंडो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और ये ड्राइंग रूम का यहाँ पर मैं लगाना चाह रहा हूँ, सामने की तरफ मैं एलईडी लगाना चाह रहा हूँ। तो विंडो एक आपकी आ गई इस तरफ, ठीक है? अब ये सब बहुत बुरा दिखा रहा है, यानी इस तरह से दिखा रहा है ना, बहुत ही बुरा, खराब, गंदा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है कि कटी कटी लाइनें आ रही है। इसका क्या हाल है? देखें, विंडो आपका इस वक्त सिलेक्ट है, होल ये बना नहीं रहा, सब आप देख रहे हो, सारे होल गायब कर दिए इसमें। तो क्या करोगे, इस विंडो को आपने राइट क्लिक करके कहना है सिलेक्ट सिमिलर, सिलेक्ट सिमिलर, जैसे ही आप लोगे राइट क्लिक करके सारी विंडोज सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप F3 करके चेक करें, क्या कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? व्हाइट का मतलब है सिलेक्ट हुआ हुआ, ग्रीन का मतलब है सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ, कोई बात नहीं। अब आप देखिए यहाँ से क्या करेंगे, F3 दोबारा दबा रहा हूँ, सारी विंडो जमीन पर बैठी हुई है, इसीलिए कटी हुई लाइनें आ रही हैं। क्या इसको ऊपर उठाने से सही हो जाएंगी? ऊपर आप कैसे उठाओगे इसको? तमाम सिलेक्ट हुए हैं, यहाँ मूव टूल मौजूद है, राइट क्लिक करोगे। अब आपको ये वैल्यूज नहीं छेड़नी है, ये वाली वैल्यूज छेड़नी है, और इनमें से कौन सी वैल्यू छेड़नी जिससे विंडो ऊपर चली जाए। तो हैंडल देखिए कौन सा है ऊपर की तरफ, जेड एक्सिस, इसका मतलब कि ना एक्स ना वाई बल्कि जेड। इसकी वैल्यू जैसे मैं बढ़ाऊंगा, अभी मैं ऐसे ही बढ़ाता हूँ, देखें आप खुद देखें, ये ऊपर जा रही विंडो, हो गया मसला, सारी कटी हुई लाइनें चली गई, सारे होल सही हो गए, ठीक है, और सही तरीके से खिड़की लग चुकी है। मर्जी ऊपर उठाना नीचे उठाना वो आपकी मर्जी, आप और ऊपर भी उठा सकते हो उसको, ठीक है, जितना ऊपर आप उसको लगाना चाहे। और ये विंडो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लग गई है, और कहीं भी कटी हुई लाइंस नहीं आ रही, सब विंडो के अंदर आप झांक के देख सकते हो, कमरा पूरी तरीके से नजर आ रहा है, आया वो समझ, बेहतरीन हो गया। अब जब मटीरियल आ जाएगा ना तो और बेहतरीन हो जाएगा, अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा ना, मटीरियल अभी नहीं आया इस पर। तो इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, ऊपर की एक बीम, बड़ा सा जो हमारा जो इसका कवर है, या यूँ कह लें कि इसकी छत है, वो बना लेते हैं। छत बहुत आसानी से बन जाएगी क्योंकि स्क्वायर शेप में,
तो फिर भी आप चाहे तो लाइन टूल की मदद से भी बना सकते हो, एक्यूरेट बनाना है तो मैं क्रिएट में जाता हूँ, यहाँ से मैं ले लेता हूँ लाइन टूल, क्रिएट में जाके ज्योमेट्री में जाएंगे, ज्योमेट्री में जाके लाइन लेंगे, लाइन में आपने यहाँ इनिशियल करना है कॉर्नर, ड्रैग टाइप करना है कॉर्नर ताकि ये कॉर्नर लाइंस बनाए, स्मूथ ना बनाए। अब आपने स्नैपिंग में क्या ऑन करना है, आपने राइट क्लिक मैग्नेट को ऑन कर देना है, इसको ऑफ कर देना है, एंगल स्नैप ऑफ किया, मैग्नेट को राइट क्लिक करके आप कर देंगे यहाँ से वर्टेक्स स्नैपिंग, इसको बंद कर देंगे। अच्छा अब आपने स्नैपिंग करना है, आप गौर से देखिए, ठीक है ये कोने से पकड़ा आपने यहाँ पे, अगर यहाँ से देखना मुश्किल है तो टॉप से कर, लेकिन बेहतर है कि आप इसी व्यू में करें तो ज़्यादा अच्छा है ताकि गड़बड़ ना हो। क्लिक बिल्कुल एंड पे पीछे वाले डॉट को पकड़ लेना है और ये पीछे वाले डॉट यहाँ पे और यहाँ क्लोज कर देना है, यस कर दे, क्लोज हो गया। अब वो लाइन जो बनी है ना, इसको मैं F3 करके शायद दिखा सकूँ, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, यहाँ देखिए ये लाइन मौजूद है जो सिलेक्ट हुई हुई है। अगर मैं W प्रेस करके थोड़ी देर मूव करूं, अब आप सब देख चुके होंगे, देखिए ये स्क्वायर बना है, स्क्वायर शेप में है या रेक्टेंगल शेप में, ये पूरा एक शेप बन गई है। कंट्रोल जेड किया ताकि ये लाइन दोबारा दीवार के अंदर चली जाए। अब मैं करता हूँ मॉडिफाई में जाके यहाँ से एक्सट्रूड का ऑप्शन ले रहा, मॉडिफाई पे क्लिक करें, मॉडिफाई लिस्ट में से आप ले लोगे एक्सट्रूड, जो हमने लास्ट टाइम भी लिया था, ई प्रेस किया और ये रहा एक्सट्रूड, एक्सट्रूड ले लें और इसकी वैल्यू जो है ना वो अमाउंट बढ़ाएंगे तो ये मोटाई में जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा मोटा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा मोटा कर देते हैं उसको, और उसका कलर वही सेम आप वाइट कर लें या जो भी आप कलर देना चाहें। तो अभी फिलहाल मैं इसको वाइट कलर दे देता हूँ, बाद में चेंज हो सकता है। तो ये पूरा अपार्टमेंट आपका रेडी है, ठीक है। अब इसके मटेरियल के हवाले से हम बात करेंगे, कैसे मटेरियल लगते हैं, कैसे इम्पोर्ट करते हैं इसके अंदर, और ग्लास के हवाले से या एल्यूमिनियम के हवाले से या कोई और वुड का मटेरियल लगाना है तो वो सब हम कैसे इसमें लगा सकते हैं। सेव कर ले इसको, कंट्रोल एस करके जरूर याद से, ताकि अगले दिन आप इस पर मजीद काम कर सकें। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप देख सकें। अगर फ्लोर प्लान की समझ आप हासिल करना चाहते हैं तो उसकी प्ले लिस्ट में, मीडिया गुरु के प्ले लिस्ट में आपको फ्लोर प्लान नजर आ जाएगा, फ्लोर प्लान पर जाके इसको कर सकते हैं। तो प्ले लिस्ट में आपको ऑटोकैड फ्लोर प्लान, फ्लोर डिजाइन या फ्लोर प्लान के नाम से एक मिल जाएगा और एक ऑटोकैड बेसिक्स भी मिल जाएगा, तो वो भी देख लें ताकि ऑटोकैड की भी आपको समझ आ जाए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।